उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है। प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी धन अवमुक्त किया जा रहा है। इन सब के बावजूद अगर काम में लापरवाही हो और उसकी गुणवत्ता घटिया किस्म की हो तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही मामला बलिया के रेवती नगर पंचायत से सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेवती नगर पंचायत से बैरिया मार्ग पर वार्ड नंबर 2 में 1,10,00,000 की लागत से बनी सड़क की पटरी और नाला पूरी तरह से आधा घंटा की बारिश में ही ध्वस्त हो गए। केंद्र और यूपी सरकार विकास को गति देने में लगी है, लेकिन हकीकत तब पता चलता है जब आप विकास की हालत को मौके पर जाकर देखें। बलिया जिले के रेवती नगर पंचायत में हुए इस काम को जरा गौर से देखिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1,10,00,000 की लागत से यह काम हुआ है जो आधा घंटा की बारिश भी नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया। लोगों का इस रास्ते से आना जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? विभागीय अधिकारी और जिम्मेदार लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। एक ट्रक चढ़ जाएगा लोड करके तो पूरा ईंट खंडित हो जाएगा, और यही नहीं इस पूरे नगर पंचायत में बढ़िया बढ़िया सड़क को उखाड़ कर और नया तरीका से उसको निर्माण कराया जा रहा है, उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि ये प्रतिनिधि का एक रिश्तेदार है मंटू पांडे, पूरे टेंडर का जिम्मेवारी मंटू पांडे को है, और ये सड़क भीषम सिंह बनवा रहे हैं, ठेकेदार हैं। इनको बार बार बोला गया, लेकिन नगर प्रशासन ही चाह रही है कि थर्ड क्लास का काम हो। और अभी बरसात का समय है, अभी आप चलिए अभी आधा घंटा मुश्किल से बारिश हुआ है, वार्ड नंबर 6 में घुटने भर पानी लगा हुआ है। चूँकि यहाँ जो पैसा आया साफ सफाई के लिए, बरसात से पहले नगर पंचायत और नगर पालिका के साफ सफाई के लिए पैसा आता है, सारे पैसे के साथ गमन कर लिए हैं, बंदर बांट कर दिए हैं यहाँ के प्रतिनिधि। प्रशासन चोरी कार्रवाई कर रही है। अब प्रशासन का तो हम क्या बताएं सर, प्रशासन के लिए हम बार बार हम लोग डीएम साहब को, जबकि यहाँ पे डीएम साहब के तरफ से एक टीम बनी हुई है इस नगर पंचायत के भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए, उस टीम में SDM महोदय हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और एक लोक निर्माण अधिकारी हैं जो कि नगर पंचायत का लेखा और भ्रष्टाचार का जांच करना है, और वो 1 साल पहले से वो टीम बनकर तैयार है और 5 SDM साहब के यहाँ रखा गया है। लग रहा है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, अब तक उस पर कोई जांच नहीं हुआ, जबकि इसका 30 दिन के अंदर ड्यूरेशन है कि जांच करके रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन यहाँ जाँच नहीं किया जा रहा है। घर की स्थिति ये होगी कि बारिश के समय में शहर पूरा डूबेगा। शहर तो डूबना ही है, क्योंकि जो बारिश के पहले नालों की साफ सफाई होती है वो भी अभी नहीं हुई है, इसीलिए बारिश में तो शहर डूबेगा ही, जिसका पूरा का पूरा दारोमदार चेयरमैन जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके ऊपर है। बताया गया कि नाले के निर्माण में सफ़ेद बालू का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से नाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद सड़क की बनी पटरी में थर्ड क्लास पेयर्स ब्लॉक लगाने से मानक की अनदेखी हुई है। सड़क की पटरी में लगाई गई पेयर्स ब्लॉक को देखिए, उसके ईंट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं।